26 दिसंबर का इतिहास बहुत पुराना है। इसका क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में क्या है, मैं थोड़ा सा कुछ 2-3 मिनट में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये है क्या है, 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 9 जनवरी 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह साहिब के जो 2 छोटे साहिबजादे थे उनकी शहादत को सम्मान देते हुए मनाया था। तो ये सिख धर्म में ये जो शहादत है ये क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पता होगा, सिखों के 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे जिनको उनके पुत्र कहा जाता है। उनमें सबसे बड़े अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह। सबसे छोटे फतेह सिंह जी थे जो 7 साल के थे, जोरावर सिंह जी 9 साल के थे। इनको सिख धर्म छोड़ने के लिए इनको मुगलों ने कैद किया और इनको बोला गया कि आप सिख धर्म छोड़ दें। सिख धर्म कभी भी किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं था किसी की तरह से, बट जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको बोला गया जबरदस्ती कि आप अपना धर्म चेंज कीजिए, वो इस चीज के विरुद्ध थे। तो फिर उन्होंने जब धर्म बदलने से मना कर दिया था, उनको जिंदा ही दीवारों के अंदर चिनवा दिया गया। जब उनकी उम्र सिर्फ 9 साल और 7 साल थी, उनको जिंदा दीवारों के अंदर चिनवा दिया गया। और किस समय, जिस समय दिसंबर का महीना होता है और हमारे पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया में ठंड बहुत ज्यादा होती है, उनको पहले 10-15 दिन के लिए एक ठंडी जगह में रखा गया जिसको आज ठंडा बुर्ज बोलते हैं। ये फतेहगढ़ साहिब पंजाब के अंदर जगह है, इस टाइम वहां ठंड बहुत होती है। उनको 15 दिन पहले वहां रखा गया सो दैट कि वो अपना धर्म चेंज करें, पर जब वो नहीं माने तो फिर उनको दोनों को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह उनको जिंदा दीवारों में चढ़वा दिया। और किस लिए, कि वो अपना धर्म बदल दें, बट वो इस चीज के अगेंस्ट थे। तो ये है सिख धर्म का इतिहास, उनका इतिहास। 26 दिसंबर इसीलिए मनाया जाता है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं एक छोटी सी कविता अभी मैंने लिखी तो नहीं है मैंने, बट मैंने कहीं से लिखा है तो थोड़ा सा एक उदाहरण और सुनिएगा ध्यान से। छोटी सी कविता है, कहीं पर्वत झुके भी हैं कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं झुकती जवानी है नहीं रुकती रवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में अभी कच्चे, पर वे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, वे हैं सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल थे जो सिंह मुख खोल थे जो, नहीं हम झुक नहीं सकते नहीं हम रुक नहीं सकते, हमें निज देश प्यारा है पिता दशमेश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्यारा है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो इंडे भरो गारे, चिनों दीवार हथियारे, निकलती श्वास बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमें धर्म हमारे धर्म की जय हो गुरु ग्रंथ की जय हो, हमारे देश की जय हो हमारे पिता दशमेश की जय हो। धन्यवाद।